नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र माने जाने वाले इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। यह राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गाँव के निकट स्थित है। विश्व का यह प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से भी आते थे। अनेक पुराभिलेखों से और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेनसांग तथा इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लगभग यहाँ साल भर शिक्षा ली थी। अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसका पुनर्निर्माण कराया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने पुस्तकालय की मरम्मत करवाई और एक बड़ी इमारत के साथ सुधार दिया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने की। आइए जानते हैं कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला दिया था। उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ा। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। तब उनके हकीमों ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा, बिना दवा के वो उसको ठीक करें और यदि ठीक ना कर पाए तो उन्हें मार दिया जाएगा। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतने से इतने तक पढ़ लीजिए, जिसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक भी हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। उसने उन सब का आभार जताने के बजाय देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग 90 लाख पांडुलिपियों और हजारों पुस्तकों को जला दिया। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थीं कि वह 3 महीनों तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की हत्या कर दी। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना से है। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी थी। नालंदा विश्वविद्यालय को तक्षशिला के बाद दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के ह्वेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन्होंने इसे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी बताया था। इस विश्वविद्यालय में चयन
मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। यहाँ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया आदि देशों के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिससे ज्ञात होता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए स्थान को बनाने से था और ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध खुद कई बार यहां आए और रुके भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी और इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर। इसमें धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी भी थी। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन आदि कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी। उस समय यहाँ लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, इकोनॉमिक, मेडिसिन आदि कई विषय पढ़ाए जाते थे। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय की यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान का विश्वविद्यालय प्राचीन विश्वविद्यालय का सिर्फ 10% हिस्सा ही है।